हमें आपने संस्कृत बोलने को कहा है, हम संस्कृत बोलेंगे, लेकिन इतना हमें ख्याल होना है कि हम उस संस्कृत के जुमलों से भी उस वहदहू ला शरीक को जिस तरह से इस्लाम में होकर एक मानते हैं वही असलोक इसके सबूत में लाएंगे, किस असलोक से उस वहदहू ला शरीक के एकता बाबा जिंदाबाद। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्त्या प्रयास्ति मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम श्रे श्री नमाणिकम मक्ति कम न गजे गजे साधुहीना सर्वथा चंदनम न बने बने बलम विद्या च पिपरारम राजम शम बलम तथा बलम विद्या च वेश्यारम शुद्रारम परिचेखरम वो परम पूज्य परमेश्वर सदा एक है अनेक नहीं एवं कदापि नहीं वही संपूर्ण रूप से शक्तिशाली तथा निरंकार है। हर जगह उपस्थित हम मौजूद हक है, देखता नहीं है और नहीं देखने का कोई भी दोस्तों की कल इस्लामिक शरा में है। इंसान देखेगा तो उस दुनिया का जब के ये दस्तूर और इंसान की फितरत है, देखेगा नहीं जब तक मानेगा नहीं। इस्लाम कहता है हर चीज जो देखने में आए वो सच हो जाए ये जरूरी नहीं है। ये हकीकत है कि देखा आंखों से ही जाता है, लेकिन आंख जिस चीज को देखती है वो सब के सब सही हो जरूरी नहीं है। इसलिए क्या फोन से देखा जाता है और देखने के लिए आंख को खोला जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आंख बंद करके देखा हो, आंख बंद करके भी देखा जाता है। इस्लाम सिटीजन कंप्लीट इक्वलिटी इन द आईज ऑफ द लॉ बेसिक इस्लामिक टीचिंग, इसका सपोर्ट जस्ट फॉर एग्जांपल इन द मनुस्मृति पुराण अध्याय 22 पेज 339 एंड राइट हैंड साइड देखा आँख खोल कर ही जाता है। देखने का ताल्लुक है, आँख खोल करके ही देखा जाए जरूरी नहीं है। इसलिए कि आँख खोल करके भी देखा जाता है और आँख बंद करके भी देखा जाता है, ये इस्लाम कहता है। पदसवा भी ध्यानम मनसा निष्ठा चिंतनम विता चवेश त्रिवेदनम मानसम पारो सस्यम शरीरम त्रिवेदनम समीचनम। इंसान की जो ये दृष्टि है, ये इंसान की जो आँखें हैं, कभी खोल कर इसे देखा जाता है, कभी इसको बंद करके देखा जाता है, और जो चीज दोनों तरह से देखने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसकी सच्चाई पर शक हमेशा रहता है कि इसकी देखी हुई चीज हमेशा सच होती है या नहीं होती। जैसे ये दोस्त हमें उदाहरण देकर के अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और से सुनिएगा, आज देखती है वो भी सब सच हो जरूरी नहीं है, आँख बंद करके जो देखता है वो भी सब सच हो जरूरी नहीं है। आंखें खोल करके आपने अल्लामा अफजल हुसैन साहब को देखा, ये तो सच है, लेकिन बाद लोग नींद में सपना देखते हैं, आंखें खुली नहीं रहती है, आंखें बंद रहती है। वो राजधानी काठमांडू की सैर करता है, काठमांडू में घूमता है, काठमांडू की गलियों को चक्कर लगाता है, आंखें खुल जाती है, पूछने वाला पूछता है तू सोया था, कहा सोया जरूर था लेकिन
देखा देख रहा था, क्या देख रहे थे? कहा देखा मैं काठमांडू में हूँ, काठमांडू की गलियों में सैर कर रहा हूँ, काठमांडू में क्या क्या देखा? कहा काठमांडू में मैंने 30 मसाजिद को देखा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काठमांडू कितनी मसाजिद है वहाँ? हम सुनते जरूर हैं, लेकिन यहाँ तक हमारा सुनने का ताल्लुक है। काश के ये सुनना सीखने की नीयत से हो, जानने की नीयत से हो, इसलिए कि हमारी कौम का हर फर्ज इस्लाम का मुबल्लिग होता है। बेशक बेशक हक है ही नहीं, आप भी मुबल्लिग इस्लाम है। आपको भी ये कहना है कि अल्लाह इज द वन एंड ओनली अल्लाह, ही इटर्नल एब्सोल्यूट, ही बिगेस्ट, नॉट इज ही बिगोटन, देयर इज नो लाइक टू हिम। अल्लाह एक है, वही हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये मैं आपसे कर रहा था, इंसान अपनी फितरत के मुताबिक अगर फैसला करना चाहे तो उसका फैसला सही भी हो सकता है और गलत भी। बेशक फैसला उसका मानना है जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है। है है है, वाह हक है। यांति देवर्ता देव पितृ यांति, पितृवर्त यांति, भूतानी यांति, भूते जयांति, मधाजिनी वो फिर बाबा। हम नहीं कहते, और अल्हम्दुलिल्लाह ये श्लोक उस धार्मिक ग्रंथों के हैं जो हिंदुइज्म के नाम से जाना जाता है। इस्लामिज्म के सबूत अल्लामा अफजल साहब ने और उलमाए किराम को बरकरार रखा है मेरे बाद जो पेश करेंगे, लेकिन हमें जो बताना है संस्कृत से, संस्कृत में भी हम वही बात बताएंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बताता है। और इस्लाम के बताए हुए पर हम गामजन हैं, और इस्लाम के बताना और उस पर गामजन होना ही हमारी कामयाबी की दलील। बेशक बेशक की दो बरसा देव पितृयांति, पितृवर्त यांति, भूते जयांति, भूते जयांति, मधा जिनी हो फिमा। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम जिसकी परस्तिश करते हो तुम उसको देखो, वो तुम्हारी आंखों के सामने हो, वो किसी आकार और आकार की बुनियाद पर हो, बल्कि तुम जिससे बेरेख है परस्तिश करते हो इस पर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि वो देखने में नहीं आता है मगर वो है हमेशा से है और वही हमेशा रहेगा। बेशक बेशक हक है, जिंदाबाद। वाह, आपके नबी कायनात के आका अरबो अजम के ताजदार, शफी रोजे शुमार, हबीबे परवरदिगार, कायनात के मालिक मुख्तार, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो मानो अल्लाह एक है। लोगो मानो अल्लाह एक। वाह वाह वाह। मानने वालों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम देखने पे इंसार नहीं करते, हमारे लिए तो आप और अल्लाह का फरमान ही काफी है, हमने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन आप कहते हैं अल्लाह एक है तो देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह एक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैजुल कुरान, जश्न दस्तार हिफ्ज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारत फरमाया, लोगों मानो ये जो किताब है तुम्हारे पास, ये किताब किताब इलाही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मकसद ये था कि दुनियाए गीती पर लोगों ने ये देखा और सुना है
कि किताबों की शक्ल में बहुत सारी किताबें आई और बहुत सारी किताबें आती रहेंगी। कहीं ये कौम, कौम इंसान, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, ये ना समझ ले कि ये भी किताब उन्हीं किताबों जैसी है जो इनसे पहले भी आई और इनके बाद भी आती रहे। नबी ने फरमाया मानो ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। मानने वालों ने कहा आका जब आप कहते हैं ये किताब किताब इलाही है, कुरान कलामुल्लाह है, ये कुरान पाक रब की बात है, जिस तरह से रब की बात में जात में कोई शक नहीं है, या रसूल अल्लाह रब की बात में भी कोई शक की गुंजाइश नहीं। रब तबारक व तआला महबूब दराए गुयूब हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बिन वन देखे और बिन देखे जिस चीज को नबी और खुदा फरमाए उसको यकीन कामिल के साथ मान लेने का नाम। यही वजह है कि रब तबारक ताला ने क्लियर कट फरमाया कि जो तुम्हारे पास किताब है ये किताब इलाही है, इसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं है, और ये हिदायत ये चिराग ये रोशनी ये पैगाम। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय वाह। कोई आशिक है नैनी शरीफ का, वो गुम हो गया है, उसको स्टेज के करीब लाएं, उनके घर के लोग उन्हें तलाश कर रहे हैं। दोस्तों बताना ये चाहता हूँ कि हम अपने शरीर और अपने वजूद पर उस परम पूज्य परमेश्वर उन तमाम बारियों को बगैर देखे इतना विश्वास करें कि वो परमेश्वर है और वही हमेशा रहने वाला है, उसका ना कोई साजी है और ना ही उसका कोई शरीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द रामचरित मानस द बालकान 3:13 एंड लेफ्टेड 5। हम आपके साथ एक ग्रंथ रख के तो हिंदुइज्म का ग्रंथ दोस्तों, उस ग्रंथ के बालकान 18वें पीठ पर जो दोहे हैं उसके लिखने वाले आदमी हैं श्री तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण जिसमें 24,000 संस्कृतिक श्लोक है, 24,000 जिसको हिंदी दोहों में कन्वर्ट करके जो किताब लिखी आदमी तुलसीदास जी ने उसका नाम रखा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायरे इस्लाम हजरत शहबाज रजा कलकत्तवी वो शायरे इस्लाम हजरत गुलफाम रजा हस्तानी नारे तकबीर नारे रिसालत मुसलमाना ने नेपाल नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह जिस अजीम दो शायर के लिए आप बेचैन बेकरार थे वो दोनों शायर आपके दयारे पुरबहार यानी मटिहानी नगर पालिका सरकार द्वालम कॉन्फ्रेंस के उस अजीम मेंबर नूर के रहल पर जलवा फरमा हो चुके हैं, जिनको आप कुछ ही देर के बाद तिलावत फरमाएंगे। आपके महबूब शोरा तशरीफ लाए और आप इनके लिए बेचैन भी हैं, बेचैन है ना? इन्हीं के लिए बेचैन है। उलमा बैठे हैं, यही तो मैं बताना चाह रहा था। हालांकि हम बॉन्डेड हैं, प्रतिबंधित हैं, मशरूत हैं संस्कृत बोलने के लिए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा आलिम है जिस मीटर को टच करेंगे उस पर संस्कृत तो हम बोल ही सकते हैं। हम बताना यही चाहते हैं कि आप जो जमीन पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो कुर्सियां लगती है तब भी लोग बैठने को तैयार नहीं।
लेकिन आप नेपाल के मुसलमान जमीन पर बैठ के अपने आका की जश्न मना रहे हैं, यकीनन काबिल तारीफ है। बेशक बेशक। उलमा बैठे और बड़ी अच्छी तंजीम का आपने इनेकाद किया है। हाँ, इस पर आपका यकीन और विश्वास भी होना चाहिए कि हम जिसे बगैर देखे मानते हैं, हाँ, तो जिसकी जात को बगैर देखे मानते हैं तो उसकी बात को भी बगैर देखे। हाँ, हक है, हक है। वो लिखते हैं एक सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहधारी देह चरित कृत नाना राम सकुल रण रावण मारा सिया सहित पर पगुधारा सेवक सुमरथ नाम सप्रीति बिनोम पर बल मोहदल जीती बिन पग चले सुने बिन काना अकर बिन कर्म कर विध नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बारी बखता बले जोगी। आप लोग जरा साइड से बैठ जाइए, बैठ जाइए, जरा दुर्ता को होने दें, अफरा तफरी का माहौल जरा बंद करें। आप रजाकार हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के बिल्कुल सामने तशरीफ लाएं, इधर लोग कुछ अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं, इनको जरा मोहब्बत और इत्राम के साथ बैठा है। एक